हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वर्षा श्रीवास्तव और आज मैं परीक्षा दृष्टि यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को जीए और जीएस पढ़ाने जा रही हूँ। ये सारे वन लाइनर्स हैं, डिटेल नहीं है। ये सारे आपकी गवर्नमेंट एग्जाम को डायरेक्ट हिट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर कंटिन्यूस अपडेट चाहिए तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में FSSAI ने खाद्य कंपनियों को पैकेज के सामने उच्च वसा, चीनी, नमक की मात्रा को किस रंग में लेबल करने के लिए निर्देशित किया है? तो किस रंग में? लाल रंग में करने के लिए निर्देशित किया है FSSAI, यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो लाल रंग में निर्देशित करने के लिए किया है। ठीक है, निर्देशित किया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, BSES यमुना पावर लिमिटेड द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है? तो BSES यमुना पावर लिमिटेड का नाम क्या है? आपका संस्थान नाम है। क्या नाम है? संस्थान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने स्मार्ट सर्वेक्षण में शीघ्र स्थान प्राप्त किया है? तो रहमतपुर थाना सतारा ने सर्वेक्षण में शीघ्र स्थान प्राप्त किया है। किसने किया है? रहमतपुर थाना सतारा ने। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे लंदन में नेहरू केंद्र के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो लंदन में निर्देशक के रूप में अमीश त्रिपाठी जी को नियुक्त किया गया है, जो कि एक लेखक भी हैं। ठीक है, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जापान के कोबे और भारत के किस शहर के बीच में एक स्मार्ट सिटी समझौता हुआ है? तो गुजरात अहमदाबाद के लिए समझौता हुआ है। ठीक है, कोबे और भारत के बीच में स्मार्ट सिटी के लिए अहमदाबाद के लिए गुजरात में समझौता किया गया है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2026 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश करेगा? इटली करेगा। ठीक है, कौन सा देश करेगा? इटली करेगा। हमारा लास्ट जो किया था वो साउथ कोरिया ने किया था। ठीक है, साउथ कोरिया ने किया था, और उसके बाद जो 2022 में होगा उसका बीजिंग करेगा। कौन करेगा? बीजिंग करेगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हाल ही में अपने ऐप में स्टे सेफ फीचर का लॉन्च किया है? तो स्टे सेफ का फीचर क्या है? गूगल मैप्स ने ऑन किया है। ठीक है, गूगल मैप्स ने स्टे सेफ का फीचर लॉन्च कर दिया है। उससे क्या होगा कि हमारी जो लोकेशन है, अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, या मतलब आजकल लड़कियों की इतना सेफ्टी इशू है, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमारी लोकेशन डायरेक्ट हमारे वेलफेयर्स के पास चली जाएंगी, तो उससे हमारी सेफ्टी ज़्यादा बढ़ जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने दो से अधिक बच्चों वाले लोगों को पंचायत लड़ने से रोकते हुए एक विधानसभा विधायक परिषद को किया है? ठीक है, ये विधायक मतलब वो किया है, नियुक्त किया है, ऐसा किया है, रूल बना दिया है ये, कि जिनके दो से अधिक बच्चे हैं, ठीक है, वो पंचायत से नहीं जुड़ सकते। तो वो कौन सा राज्य ऐसा है? उत्तराखंड विधानसभा है। ठीक है, उत्तराखंड विधानसभा में ऐसा हो गया है कि जिनके दो से अधिक बच्चे हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे मिस यूनियस ऑस्ट्रेलिया 2019 का ताज पहनाया गया है? तो मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2019 का ताज प्रिया सीरियो को पहनाया गया है। हालांकि ये इंडिया से रिलेटेड नहीं है, बट इसलिए रिलेटेड है क्योंकि प्रिया सीरियो इंडियन है। ठीक है, वो एक यहाँ से, वो क्या कहते हैं, माइग्रेट है, तो इंडिया ने इसीलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 29 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ऐसी करंट अफेयर्स चाहिए डेली के डेली डेली और वन लाइनर्स चाहिए, तो इसके लिए हमारे वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।